हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप लोग अपने मोबाइल को यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हैं? अगर आप लोग अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको हर एक बात की समझ आ जाए कि आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, YouTube के ऊपर आप लोग पैसे बड़े आसानी कमा सकते हैं, और करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिंपली वीडियोज़ बनाकर उसके ऊपर अपलोड करनी है और आप लोगों को उनसे अर्निंग मिलेगी। अब ये सब कुछ होगा कैसे, वो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले एक जीमेल का अकाउंट चाहिए। अगर आप लोगों के पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप लोगों को जीमेल का नया अकाउंट बनाना होगा। बहुत आसान है, कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाना है और उसके ऊपर आप लोगों को वीडियोस अपलोड करनी है। वीडियोस आप लोग कैसी अपलोड करेंगे, आप लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप एजुकेशनल अपलोड कर लें या फिर एंटरटेनमेंट की कोई भी वीडियोस बना के आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उससे आपको अर्निंग मिलेगी। उसके लिए दो सादा सी कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना होता है। 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों को चाहिए होते हैं अपने चैनल के लिए, और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। जब आपका एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप लोगों की अर्निंग लाइफ टाइम के लिए शुरू हो जाती है और उससे आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मिनिमम 10000 से लेकर आप लोग 1,00,000 तक पर मंथ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे ये सब कुछ करेंगे वो इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जैसे आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ऐसे ही दूसरे लोग भी आपसे यही तवक्को रखती हैं। तो काइंडली जब भी आप किसी के भी चैनल को देखें तो उसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि दूसरे चैनल वाले की रोज़ी शुरू हो जाती है और उसको फ़ायदा मिलता है। और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से किसी को फ़ायदा पहुँचता हो तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नेकी ज़रूर करनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे और उसको यूज़ करके आप लोग कैसे एक अर्निंग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसी वीडियोस अपलोड करनी है। जी दोस्तों, अभी मैं आपको ले आया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने लिए एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और उस जीमेल अकाउंट को आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उस यूट्यूब चैनल से आप लोग अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन करना है। आप लोग ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा गूगल में। तो यहाँ से आप लोग ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल का गूगल, और अभी आपको एक ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन इन का, तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक कर देना है। साइन इन ओपन होने के बाद आपके पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि लॉग इन, यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से जीमेल है तो आप उसके थ्रू लॉग इन हो सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नीचे ऑप्शन देखिएगा क्रिएट अकाउंट। तो आप लोगों को, चूँकि मैं अभी इस वीडियो के अंदर क्रिएट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने करना है क्रिएट अकाउंट पे टिक। तो यहां पे इसको टिक करने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिज़नेस। तो आप लोगों ने फॉर माई सेल्फ के लिए करना है तो आप लोग करेंगे फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आप लोग यहाँ पर वो डिटेल्स दे दीजिएगा। आपका जो फ़र्स्ट नेम है, अगर आप लोग अपने नेम से बनाना चाहते हैं तो आप अपने नेम से बना सकते हैं, और अगर आप लोग किसी और नेम से या फिर अपने जो यूट्यूब चैनल का नेम आप लोगों ने सोचा हुआ है उसके नाम से बनाना चाहते हैं तो उसके नाम से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पास एक फ़र्ज़ी नेम लिखूँगा, ये फ़र्ज़ी जीमेल होगा, इसको मैं यूज़ तो नहीं करूँगा लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेस्ट इनफॉर्मर, ठीक है, बेस्ट इन, चलिए जी बेस्ट इनफॉर्म के लिए कर लेते हैं। तो इसके आगे आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कि जीमेल का यूज़र नेम जो है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो नीचे आप ज़रा देखिएगा, ये वाले आपको जो अवेलेबल हैं वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बी इन फॉर्म 11 अवेलेबल है या फिर नीचे और है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। उसके नीचे है पासवर्ड, तो पासवर्ड आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड जो है वो अपना एक सीक्रेट पासवर्ड सेलेक्ट किया है और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि अपना अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पासवर्ड रख लीजिएगा, ये आपका सीक्रेट होना चाहिए। इस पासवर्ड को आप लोगों ने किसी को भी नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट पेज आप टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज टिक करेंगे आप लोग अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या फिर नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं भी देना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप लोग अपने नंबर से ही जीमेल अकाउंट बनाएं ताकि उसकी प्राइवेसी हो, और कल को अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो आप उसको रिकवर भी कर सकें। इसके नीचे आ जाता है रिकवरी ईमेल, तो रिकवरी ईमेल भी अगर आपके पास कोई और ईमेल है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं आपके पास डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग यहाँ पर अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आता है जेंडर, जेंडर आप लोग का जो भी जेंडर है वो आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे। चूँकि मैं यहाँ पे मेल का टिक कर रहा हूँ, आप लोग अगर फीमेल हैं या मेल हैं जो भी हैं तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। इस तरह से आपके पास आपका जो जीमेल है वो रेडी हो चुका है, और आप लोगों ने यहाँ पर कुछ इसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको एग्री कर देना है। तो आप लिखेंगे आई एग्री विद दिस वन, तो आपका इस तरह से जीमेल रेडी हो चुका है। अब उसके बाद आप लोगों ने बनाना है यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब चैनल बनाना है। YouTube in browser in such a way. अब जो आप लोगों ने जीमेल बनाई थी उस जीमेल को इसके अंदर लॉगिन करना है, और आप लोगों ने अपने लिए एक अच्छे वाला यूट्यूब चैनल बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन इन का, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको शो करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये ऊपर कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे और जो आप लोगों ने अभी जीमेल बनाया है वो जीमेल इसमें लगाएंगे। और लगाने के बाद आप लोगों ने अपना जो चैनल का नेम आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है वो चैनल का नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ले दोस्तों, जब आप साइन इन पे टिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पे जो हम लोगों ने जीमेल अभी अभी बनाई थी वो जीमेल यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रही है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये शो नहीं होती तो आप लोग यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज़ एन अदर अकाउंट, तो उस पर टिक कर देंगे। तो चूँकि अभी हमें शो हो रही है तो हम इसके ऊपर टिक करके डायरेक्टली इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड आप लोगों ने वही लगाना है जो पासवर्ड आप लोगों ने वहाँ पे इसका लगाया था। तो पासवर्ड लगाने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे टिक कर देंगे, और इस तरह से आपके पास एक कंफर्मेशन वो पूछेगा कि क्या आप लोग अपने इस अकाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर अपडेट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म पे टिक कर देना है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कोई अपना रिकवरी नंबर नहीं दिया, ना ही रिकवरी ईमेल दिया है। तो यहाँ पर आप लोग लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना रिकवरी ईमेल और रिकवरी नंबर भी, यानी कि अपना मोबाइल नंबर। इससे आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ले जी, अभी इस तरह से आप लोग लॉगिन हो चुके हैं इसमें, अकाउंट को यूट्यूब के अंदर लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन बना हुआ नज़र आ जाएगा, जैसे कि ये कोने में नज़र आ रहा है बी, मतलब आप लोगों ने जो बेस्ट इनफॉर्म का चैनल जीमेल बनाई थी वो इसके अंदर लॉगिन हो गई है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक करनी है। तो इस पर जब टिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है क्रिएट अ चैनल, तो आप लोगों ने यहाँ पर टिक कर देना है। और देखिएगा, ये आपसे आगे कह रहा है कि योर क्रिएटर जर्नी बिगेंस, मतलब आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड, तो आप लोग गेट स्टार्टेड पे टिक कर देंगे। और यहाँ पर आगे फिर से दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप लोग अपना यही लॉगिन यूज़ करना चाहते हैं बेस्ट इनफॉर्म के लिए, या फिर कस्टमाइज नेम करना चाहेंगे। तो मैं चूँकि यही कर लूँगा कि बेस्ट इनफॉर्म यही कर ले, या फिर अगर आप लोगों ने यूज़ अ कस्टमाइज नेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ अ कस्टमाइज नेम के बारे में समझा देता हूँ कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग सेलेक्ट के ऊपर टिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने चैनल का नेम रखना है। तो यहाँ पे आप अपने चैनल का नेम जो मर्ज़ी रख लीजिएगा, कोशिश करें कि अच्छे वाला चैनल का नेम होना चाहिए, जो लोग आएँ आपके चैनल पे विज़िट करें वो आपके चैनल को
सब्सक्राइब भी करें। तो मैंने इसका नेम रख लिया बेस्ट इन्फॉर्म, और उसके नीचे आप लोगों ने ये इस पर टिक करना है, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू गूगल अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि क्रिएट पे टिक कर देना है। अपने चैनल का नेम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर आई अंडरस्टैंड के ऊपर टिक करने के बाद आप लोग क्रिएट पे टिक कर देंगे। इस तरह से आप लोगों का चैनल रेडी हो जाएगा, और आप लोगों को क्या करना है अब इसमें वीडियोस बना के अपलोड करनी है। तो ये आगे कह रहा है कि आप लोग गेट ऐप कर सकते हैं, कि यूट्यूब स्टूडियो के लिए एक ऐप बनी हुई है, तो आप ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसी के थ्रू हम कंटिन्यू रखेंगे कंटिन्यू टू स्टूडियो। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आपका चैनल दोबारा से शो हो जाएगा। तो आप लोगों ने कंटिन्यू स्टूडियो पे कर देना है। कंटिन्यू स्टूडियो करने के बाद आप लोगों का चैनल अभी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि अपने चैनल के लिए अच्छी सी वीडियोस बनानी है और रिकॉर्ड करके इसके ऊपर अपलोड करनी है। जब आपका चैनल इसमें लॉगिन हो जाएगा तो वह कैसे शो होगा, आप लोग यहीं से ऊपर कॉर्नर से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपके चैनल का नेम क्या है और वो कैसे शो किया जा सकता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये बेस्ट इन्फॉर्म इसका चैनल का नेम है। और अगर आप इस अपने चैनल को ओपन करके देखना चाहते हैं कि आपके चैनल में इस वक्त कौन कौन सी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी बात पूछ सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।